नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑल एस्ट्रो न्यूज पर। दोस्तों, यूपी बोर्ड में प्राची के टॉप करने के बाद राजस्थान की प्राची ने भी एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। तो कौन है प्राची और उसने कैसे 12वीं साइंस स्ट्रीम से 100 में से 100 अंक हासिल करके इतिहास रचा है, उनके माता पिता कौन है, कहाँ रहती है प्राची और किस स्कूल से पढ़ाई की है, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्या आप प्राची से सीख कर 12वीं साइंस में फिर से टॉप कर सकते हैं और क्या आप आने वाले भविष्य में प्राची से सीख लेकर किसी सरकारी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं? तो प्राची के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, हम आपको बताने वाले हैं प्राची की पूरी कहानी और उनके परिवार के बारे में संपूर्ण जानकारी। प्राची ने राजस्थान बोर्ड के रिजल्ट जारी होते ही पूरे राज्य में चर्चे बटोरे हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा का रिजल्ट आज 20 मई 2024 को 12:15 पर जारी किया गया। राजस्थान बोर्ड द्वारा पहली बार कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स सभी के रिजल्ट एक साथ जारी किए गए। अलवर के खैरतल तेजारा की एक रोटिया नामक गांव की छात्रा प्राची सोनी ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए राजस्थान में टॉप किया। प्राची सोनी ने सभी विषयों में 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। अलवर की छात्रा ने इतिहास रच दिया। प्राची सोनी ने अपनी सफलता का क्रेडिट गुरुजनों और परिवारजनों को दिया। प्राची ने कहा कि पहले मैं टीवी और समाचार पत्र देखती थी कि विद्यार्थियों ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए हैं और राजस्थान में वह टॉप कर जाते हैं। तो उसके बाद प्राची ने यह भी ठान लिया कि वह भी एक दिन राजस्थान में टॉप करेगी। प्राची ने कहा कि शिक्षकों ने ऐसा मार्गदर्शन किया, उन्होंने पढ़ाई के साथ मेरे डाउट्स क्लियर किए और इसके साथ साथ माता पिता का भी अच्छा सहयोग रहा। मुझे पता था कि मैं टॉप करूंगी, इतना ही नहीं मैंने सभी विषयों में 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, ऐसा प्राची बताती है। अलवर की प्राची सोनी ने इतिहास रच दिया है। प्राची सोनी ने विज्ञान वर्ग में 100 में से 100 अंक हासिल करके एक बड़ा इतिहास रचा है। प्राची एक्सेस अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल खैरथल की स्टूडेंट है। अपनी सफलता के पीछे अपने बड़े गुरुजनों का बड़ा हाथ बताया है। प्राची ने बताया कि घर और स्कूल में वह नियमित रूप से पढ़ाई करती थी, एक दिन कम समय मिला तो वह दूसरे दिन उसकी भरपाई करती थी। प्राची ने लगन और मेहनत से अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके साथ टीचर और परिवारजनों की मेहनत भी उसके लिए टॉप करने में सहयोग दिया। प्राची ने अंग्रेजी, हिंदी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित सभी विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर कुल 500 में से 500 अंक हासिल करके एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया। प्राची के माता और पिता दोनों सामान्य परिवार से आते हैं। प्राची के पापा नरेंद्र सोनी प्राइवेट नौकरी करते हैं और माँ बेबी रानी गृहिणी है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से प्राची को निःशुल्क पढ़ाई करवाई गई। प्राची ने रोज 5-6 घंटे पढ़ाई की और एग्जाम के समय 11 से 12 घंटे तक पढ़ाई की। प्राची ने प्रत्येक विषय को सही ढंग से कवर किया और बार बार उसका रिवीजन किया। इसलिए आप भी अपने भविष्य में जब भी पढ़ाई करें तो उसका रिवीजन जरूर से करें और एक नियमित पढ़ाई के लिए हमेशा तत्पर रहें। प्राची ने भौतिक विज्ञान सब्जेक्ट पर अधिक बल दिया, उनका पसंदीदा सब्जेक्ट रहा। प्राची ने कहा कि IAS बनना चाहती है। प्राची भविष्य में सिविल सर्विस में जाना चाहती है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर जिले की तरुणा चौधरी ने 99.80 मार्क्स हासिल किए हैं। तरुणा चौधरी बाड़मेर के मयूर नोबस स्कूल की छात्रा है। इन छात्रा ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके राजस्थान 12वीं साइंस स्ट्रीम से पूरे में से पूरे अंक तो नहीं लेकिन 99.80% अंक हासिल करके राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो इन दोनों छात्राओं को हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप इनसे क्या सीख ले सकते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।